दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ बहुत ही मजेदार बोर्ड गेम जिसका नाम है स्लिंग मी। शायद आप इसे और नाम से भी जानते होंगे, बट फिलहाल मैं आपको बता दूं जाता है फाइसम की तरफ से। तो बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं इसको ओपन। से पहले आपको मैं बता दूं कि इस गेम का यहाँ पे आज हम गिव अवे भी करेंगे, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले करते हैं ओपन और देखते हैं भैया स्लिंग मी जो गेम है वो कैसा दिखता है और कैसे हम उसे खेल सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज़ गेम्स एक्सपेरिमेंट तो कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों मैंने बोर्ड बाहर निकाले हैं, कुछ कंटेंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं, जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मेरे को दिखाई देती है स्लिंग मी फाइसम की तरफ से इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, दो पेपर की है, इसमें कंटेंट्स वगैरह इंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखा हुआ है और ये यहीं पर फिनिश हो जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे छोटा सा एक हमको और यहाँ पे पेपर देखने को मिलता है जिसमें इनके और भी गेम्स हैं उसकी लिस्टिंग दी गई है, तो काफ़ी सही बात है। एक यहाँ पे हमको पाउच मिल जाता है, पॉलिस्ट्रिंग बैग आप इसे कह सकते हो, कुछ इस तरह से आप देखिए क्लोज हो जाता है और इसके अंदर हम जो है अपने वुडन डिस्क वगैरह को रख सकते हैं। और ये जो पाउच है इसके अंदर कुछ सामान है, जल्दी से एक बार इसे खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी सबसे मेन चीज़ वुडन डिस्क, इसको हम पार्क्स भी बोलते हैं, और ये है 16 टोटल। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको 6 पैक्स मिल जाते हैं, इसके अंदर पैक्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलास्टिक बैंड हमको दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर क्या है यार, ओके, इसके अंदर पाउडर है दोस्तों, वो प्लाईवुड है हमारे बोर्ड में, तो जब हम इसे स्लाइड करेंगे तो पाउडर से जो है काफ़ी अच्छे से स्लाइड होगा। तो कंटेंट्स यहाँ पर इतने ही थे, अब जल्दी से बोर्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सिंपल सा रूल बताऊंगा और खेल के दिखाऊंगा इस गेम को कि कितना मज़ा आता है इसे खेलने में। तो दोस्तों ये है हमारा मेन गेम बोर्ड, अगर इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इस साइड से है 30 इंचेस और यहाँ से है 18 इंचेस। सेंटर में आपको दिख रहा होगा कि एक गैप है जिसका यूज़ आपको लगभग पता ही चल गया होगा। फिलहाल अगर क्वालिटी ऑफ वुड की बात करूँ तो ये ऊपर वाली बाउंड्री पे जो दिख रही है ये है टीक वुड और नीचे जो है प्लाईवुड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। प्लाईवुड में अगर फ्रिक्शन हो तो आप जो है इसे रिड्यूस कर सकते हैं इस पाउडर की मदद से, काफ़ी अच्छा पाउडर है। अब हम गेम के बारे में बताएंगे, ये 2 प्लेयर का गेम है। सबसे पहले आपको ये जो वुडन डिस्क है 8-8 डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है ईच साइड में। अब सिंपली आपको पता ही है कि यहाँ पे हमको दिया गया ये इलास्टिक बैंड, इसकी मदद से आपको कुछ इस तरह से, अभी तो उछल गया ये, अरे मुझसे तो अभी नहीं जा रहा है खाली, तो कुछ इस तरह से आपको दूसरे प्लेयर के खाने में सारे के सारे ये जो आपके हैं वुडन डिस्क है वो वहाँ पहुँचानी है। जो भी प्लेयर इसे जल्दी पहुँचा देगा भैया वो इस गेम का विनर होगा। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये नहीं कि आपके पास 8 ही है तो ये सब आपको डालनी है। अब गेम में होगा क्या, जब आप बीच बीच में डालोगे तो भैया इधर से भी तो कुछ डिस्क आपकी तरफ आएंगी, सही बात है ना। तो मींस कि जब तक आपका ये पूरा का पूरा कॉलम खाली नहीं हो जाता, मतलब आपके 8 और जो आपके अपोनेंट ने आपकी तरफ डाले हुए हैं वो डिस्क भी सारे आपको इधर की तरफ पहुँचाने हैं। जैसे ही लास्ट वाला जो डिस्क है ये पहुँच जाएगा दूसरे के खाने में, आप जो है गेम को विन कर जाओगे। तो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों तरफ से जब डिस्क की बौछार होगी ना तो कुछ टकराएंगे, कुछ साइड में जाएंगे, इधर उधर गिरेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्विक बैटल। उससे पहले मैं आपको एक रूल बता दूँ भैया मारना कैसे है, क्योंकि देखिए दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो। पहला रूल ये है कि सिंपली आपको डिस्क को लेना है और कुछ इस तरह से आप शॉट लगा सकते हो। दूसरा रूल क्या होता है कि एक हाथ से आपने इसको पकड़ा, दूसरे आपने इसको सेट किया और तब आप आराम से इसे पुश कर सकते हो। तो आपको गेम से पहले ही डिसाइड करना है कि भैया हम किस रूल से खेल रहे हैं। एक और चीज़, यहाँ पे आप दो तरह से गेम को मतलब विनिंग की तरफ लेके जा सकते हो। एक तो सिंपली आपने सिंगल गेम खेला कि भैया सारी की सारी चली गई और जिसकी पहले चलेगी वो गेम को विन कर जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे पैक्स दिए गए हैं ये एक्चुअली आप लेवल सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटली 6 पैक है तो आप 3 लेवल, जो पहले 3 लेवल जीतेगा वो विनर हो जाएगा। जैसे मैं अभी पहला जीत गया तो ये जो है एक पैक मैं अपनी तरफ लगा लूँगा, अगर नेक्स्ट प्लेयर अगला जीतता है तो ये लगा लेगा। उसी तरह अगर मैं पहले 3 पैक अपने यहाँ लगा लेता हूँ तो मैं टूर्नामेंट को विन कर जाऊंगा। तो सिंगल गेम भी खेल सकते हो, टूर्नामेंट भी खेल सकते हो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं क्विक बैटल और देखते हैं कितना मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। Thank you.
तो दोस्तों यार मजा आ गया इस गेम को खेल के। जैसे ही मैं यहाँ से मतलब वुडन पक्स को ना ऐसे डाल रहा हूँ, उधर से उतने ही वापस आ रहे हैं। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी बट उसके बाद भी मैं ना हार ही गया फाइनली गेम को। आपको वैसे नहीं खेलना है, आपको थोड़ा रूल में रह के खेलना है। मैं तो फन में थोड़ा बस रोक रहा था, वैसे नहीं करना है। बट ओवरऑल काफी मजा आया इस गेम को खेल के। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हमको ये जो बैंड है इसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे नॉब भी है। तो आप जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, जैसे बहुत लूज हो जाता है तो आप वहां से इसको एडजस्ट करके दोबारा से टाइट कर सकते हो। तो वो काफी अच्छी चीज लगी। तो अब मुझे बताया आप लोगों को किसका इंतजार है। भैया गिव अवे होगा इसका, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के ऊपर करना है एक लाइक और एक कमेंट। जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।